विधानसभा घेराव को निकला चौटाला गांव के ग्रामीणों का काफिला आज पांचवे दिन सिरसा पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने भगत सिंह चौटाला पर मुख्यमंत्री खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि चौटाला गांव में बने सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टरों और दवाओं के अभाव में महिलाओं के गर्भ में शिशुओं की मौत हो रही है, लेकिन 21वें दिन तक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने चौटाला गांव से ही चंडीगढ़ कूच कर दिया है। ग्रामीणों का ये काफिला आज पांचवे दिन सिरसा पहुंचा। इसके बाद ये काफिला चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा की ओर कूच करेगा। प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर एवं मोर्चरी को शुरू करने की मांग को लेकर 21 दिन तक हमने जोरदार आंदोलन चलाया। 21 दिन के आंदोलन के दौरान जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी वार्ताएं हुई, वो सारी वार्ताएं बेनतीजा रही, क्योंकि इस गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो डबवाली इलाके के सत्तासीन लोग हैं, उन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट ये कह दिया कि आप वहाँ संघर्षरत लोगों के बीच ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं जाओगे। उनको यह भी गवारा नहीं है कि चौटाला गांव व डबवाली के गांव-गांव का किसान नौजवान अपने हक और हकूक के लिए सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। वो उनका ये मानना है कि इलाके के लोग उनके ऑफिसों में और उनकी कोठियों में, उनके महलों में चक्कर काटे, वहाँ चप्पलें जूतियाँ घसाएँ और फिर वो किसानों की और ग्रामीणों की मांगों को सुनते हैं। हमने 21 दिन के आंदोलन में जब वहाँ सिरसा उपायुक्त और सीएमओ सिरसा नहीं पहुँचे, उसके बाद हमने सारे दुकानदार व्यापारी साथियों ने, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, हमारी माताओं बहनों ने, संघर्षरत नेताओं ने ये कार्यक्रम बनाया कि हम चौटाला से चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए जन चेतना यात्रा के रूप में सैकड़ों साथी चौटाला से चंडीगढ़ विधानसभा पैदल कूच करेंगे। आज यात्रा पांचवें दिन में प्रवेश कर चुकी है। आज यहाँ सैकड़ों साथी जो कि चौटाला से चंडीगढ़ चल करके सिरसा पहुंचे, यहाँ भगत सिंह चौक पर हमने खट्टर और दुष्यंत और स्वास्थ्य मंत्री का हमने यहाँ पुतला फूंका। हम सरकार से ये सवाल तलब कर रहे हैं कि सरकार बताए कि कब तक आम जनता के हितों पर कुठाराघात होते रहेंगे। इस शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम विधानसभा पहुँचे। शीतकालीन सत्र में पहुँचने के बाद चौटाला गांव व इलाके के लोगों को और यहाँ सिरसा के भी दुकानदार और व्यापारी साथियों को, जो कि बसों में सवार होकर हजारों लोग वहाँ चंडीगढ़ पहुँचेंगे, चंडीगढ़ उन लोगों के पहुँचने के बाद हम विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर ये प्रमुख मांगे उठाएंगे कि डबवाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ दो डॉक्टर तुरंत प्रभाव से लगाए जाएं, वहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की मोर्चरी, ऑपरेशन थिएटरों को शुरू किया जाए और जितनी अव्यवस्थाएं उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। बता दें कि चौटाला गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। अस्पताल में प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मॉर्चरी, ऑपरेशन थिएटर तक नहीं है। और इतना ही नहीं, अस्पताल में जांच लैब समेत अन्य और भी कई समस्याएं हैं जिन्हें ग्रामीण पुरजोर तरीके से उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, जिसके चलते ग्रामीणों ने जन चेतना यात्रा निकालते हुए चौटाला गाँव से चंडीगढ़ विधानसभा की ओर कूच कर दिया है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।